प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ के जो फार्मूले हैं हमने कुछ फार्मूले याद करने की कोशिश करी थी एक बार क्विकली फार्मूले रिवाइज़ कर लेते हैं उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स सेल्स को ग्रॉस सेल्स भी बोला जा सकता है जब उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो नेट सेल्स आता है नेट सेल्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं सेल्स रिटर्न को पर रिटर्न इनवर्ड्स भी बोला जा सकता है टोटल सेल्स जो होती है सेल्स या तो आप किसी से कैश लेके करोगे सेल या उधार पे सेल करोगे तो टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स तो कुछ क्वेश्चंस में आपको ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है इधर हम परचेज की बात करें तो ग्रॉस परचेजेस या सिर्फ परचेजेस भी बोल सकते हो आप इसे परचेज रिटर्न माइनस करोगे तो नेट परचेजेस आपके पास आएगा अगर नेट परचेज लिखा है मतलब रिटर्न माइनस हो चुका है सिर्फ परचेज लिखा है सिर्फ ग्रॉस परचेज लिखा है, मतलब रिटर्न इसमें से माइनस नहीं हुआ है परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोला जाता है परचेज रिटर्न मीन्स रिटर्न आउटवर्ड्स जो ग्रॉस परचेजेज है आप अगर कुछ सामान खरीदोगे या तो कैश दे के परचेज करोगे या उधार पे परचेज करोगे उधार मीन्स क्रेडिट सो टोटल परचेज इक्वल्स कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज तो ये परचेज से रिलेटेड फॉर्मूले कुछ देखे सेल से रिलेटेड कुछ देखे हमें देन ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट की तरफ आता है क्लोजिंग स्टॉक आपका क्रेडिट की तरफ आता है अगर हम ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक रिपीट कर रहा हूँ ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या हुआ जो सामान बेचा है उसकी कीमत कितनी थी कितने का हमने उसे खरीदा था हम बेचेंगे सौ रुपए में बट हमने कितने में खरीदा था उसको वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स के बीच में डिफरेंस आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो सामान बेचा उसको खरीदा कितने में था हमने हम भी कहीं से खरीदेंगे फिर बेचेंगे तो हमने कितने में खरीदा था दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स मतलब जो आपने बेचा बेचते वक्त आपकी सेलिंग प्राइस क्या थी तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब जो डायरेक्टली उस सामान को बेचने में या बनाने में खर्च होते हैं जो उस सामान को डायरेक्टली बनाने में या बेचने में खर्च होते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं जैसे वेजेस है ठीक है ना वेजेस मतलब कि डायरेक्टली जो मजदूर उस सामान के ऊपर काम कर रहे हैं कैरेज इनवर्ड्स उस सामान को जब मैंने खरीदा था तो जहाँ से मैंने खरीदा वहाँ से मेरे ऑफिस तक लाने का जो मैंने किराया दिया गाड़ी का ट्रक का किराया दिया दैट इज़ कॉल्ड कैरेज इन्वर्ट्स वहाँ से मैंने ख़रीदा तब मुझे ला कैरेज इन्वर्ट्स तो <coughs> तो आपकी बुक में दो ही टाइप के डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वेजेज और कैरेज इन्वर्ट्स तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डायरेक्ट एक्सपेंस भी एड होते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फिर फार्मूला क्या बन गया हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ये आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है अब कोई चीज प्लस क्यों हो रही है माइनस क्यों हो रही है ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये फार्मूला आपको याद रखना है नेट सेल्स का ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स नेट परचेजेस ग्रॉस परचेज माइनस परचेज रिटर्न्स टोटल सेल्स कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स टोटल परचेज कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज तो नीचे वाले चारों तो आई थिंक आसान है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आपको समझना होगा इसका यूज़ काफ़ी फ्रीक्वेंटली होगा अब इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाले फॉर्मूले को हम वापस लिखते हैं ओनली थिंग इज क्लोजिंग स्टॉक को हम पहले लिख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक के बगल में ठीक है हमने इस फॉर्मूले को इसका कलर मैं हटा देता हूँ यहाँ से और इसका कलर मैं यहाँ लगा देता हूँ वही फार्मूला है उसी फार्मूले को हमने क्लोजिंग स्टॉक पहले लिख लिया ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये वही फार्मूला है अब हम इसमें छोटा छोटा मोडिफिकेशन करेंगे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक को हम चेंज इन स्टॉक भी बोलते हैं तो ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक की जगह लिख दो चेंज इन स्टॉक बाकी प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज तो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का एक नया फार्मूला आपका बन गया वही चीज़ है बट क्वेश्चन में कई बार चेंज इन स्टॉक लिखा हुआ मिल जाता है तो हमें ये फार्मूला ही पता होना चाहिए यह हमने डिस्कस किया था कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपका ये फार्मूला नेशनल इनकम में भी जो आप न्यूमेरिकल्स करते हैं वहाँ पर भी ये यूज हुआ है प्रोडक्ट मैथड में चेंज इन स्टॉक की जगह पे मान लीजिए जैसे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक है सपोज़ की जो ओपनिंग स्टॉक मेरा 100 है क्लोजिंग स्टॉक मेरा 80 है मतलब ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक कम है तो 100 और 80 चेंज इन स्टॉक क्या होगा मेरा 100 माइनस 80 100 माइनस 80 तो तो इसको मैं ट्वेंटी भी बोल सकता हूँ ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक ट्वेंटी भी हम इसको बोल सकते हैं ट्वेंटी क्या है ओपनिंग स्टॉक इज ग्रेटर देन क्लोजिंग स्टॉक तो सेम चीज को हम ये भी लिख सकते हैं एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक वही चीज है सिंपल ओपनिंग माइनस क्लोजिंग ही है लेकिन उसको हमने क्या लिख दिया एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक आगे का सेम प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस आगे का फार्मूला आपका सेम है उसमें कोई चेंज नहीं है तो कई बार क्वेश्चन में एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग लिखा हुआ मिलता है तो इस ये फार्मूला आपका उसके लिए हो गया अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं ओपनिंग एट्टी है क्लोजिंग हंड्रेड है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग क्या आएगा मेरा माइनस का ट्वेंटी ओपनिंग माइनस क्लोजिंग विल बी माइनस का ट्वेंटी <coughs> तो इसको क्या लिखेंगे एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस एक्सपेंस क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो गया ओपनिंग स्टॉक से लेकिन ये क्या होगा ये माइनस में आएगा फिर ये जो है आपका यहाँ पर ये जो है आपका माइनस के अंदर यहाँ पर आएगा तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज़्यादा है तो नंबर आप जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ माइनस ट्वेंटी आपको लिखना है प्लस का नहीं लिखना है क्यों क्लोजिंग ज़्यादा है क्वेश्चन करेंगे जब समझ आ जाएगी बात तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के चार पाँच वर्जनस हो गए फार्मूले के एक दो आई थिंक सेम ही है एक दो तीन चार फॉर्मूले आपके यहां पर हो गए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नेट सेल्स नेट परचेस टोटल सेल्स टोटल परचेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सारे फॉर्मूले सिर्फ इस एक ही फॉर्मेट से निकल रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट से अगर ये फॉर्मेट अच्छे समझ आ गया तो आपको फॉर्मूले इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे अब ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट मतलब सेल्स में से उसकी कॉस्ट घटा दो जब मैंने सामान बेचा तो कितने रुपए का बेचा उसमें से उसको खरीदा कितने में था उसको माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल्स को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बोलते हैं तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्राम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स एक ही बात है इसको कैसे निकालते हैं ग्रॉस सेल माइनस सेल रिटर्न इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं नेट सेल्स इज इक्वल टू सेम फार्मूला ऊपर भी लिखा हुआ है यहाँ पर ही लिखा हुआ है इधर उसी को हमने यहाँ पे वापस लिख दिया अच्छा टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल रिटर्न भी आप उसको बोल सकते हैं ये हटा देते टोटल सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया कितने रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है अब उसका रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड अब ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो आता है आपका परसेंटेज में आ रहा है क्योंकि हम इसको किसी एक बेस फिगर से डिवाइड करेंगे और हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देंगे ये हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि अकेला नंबर कुछ काम का नहीं है अगर मैं बोलता हूँ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट एक लाख रुपये है इससे कुछ भी कंक्लूज़न नहीं निकलेगा एक लाख रुपये एक करोड़ रुपये इससे कोई कंक्लूज़न नहीं निकलेगा जब तक कि मैं उसको को ना करूँ मेरी सेल्स से मैंने इतना सामान बेचा इतना प्रॉफिट कमाया उससे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे पता पड़ती है सो so, दो कंपनियाँ हैं एक का सौ रुपये प्रॉफिट है दूसरी कंपनी का दो सौ रुपये दूसरी का भी सौ है तो आप कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते इनके प्रॉफिट पे, लेकिन अगर आपको पता पड़े कि इसकी नेट सेल्स पाँच सौ रुपये की है इसकी नेट सेल्स एक हज़ार की है तो जीपी रेशियो कितना हो गया जीपी पी रेशियो इज़ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड इसका कितना हुआ ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड तो इसका टेन परसेंट है इसका ट्वेंटी परसेंट है सो कंपनी ए इज़ बेटर कंपनी ए ज़्यादा बेटर है क्योंकि इसका प्रॉफिट इन रिलेशन टू सेल्स ज़्यादा है इसने पाँच सौ रुपये की बेच कर ही सौ रुपये कमा लिए इसको हज़ार बेचना पड़ा तब ये सौ रुपये कमा पाया तो कंपनी ए यहाँ पर बेटर है अगर आप सिर्फ जीपी देखोगे तो आप बोलोगे दोनों कंपनी सेम है बट एक्चुअली दोनों कंपनियां सेम यहां पर नहीं है क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक जो होता है इसको आप इन्वेंट्री भी बोल सकते हो ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री सो स्टॉक एंड इन्वेंट्री दोनों का मीनिंग सेम है ये जो हमने छोटा सा एग्जाम्पल यहां पे बनाया है ए और बी का ग्रॉस प्रॉफिट सौ रुपए सौ रुपए सेल्स से यहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है क्या हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल सकते हैं यहां पे कंपनी ए का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है ऊपर फॉर्मूला देखते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी पी इक्वल्स नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्सोल्ड क्या फॉर्मूला है मेरा शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसको मैं जी पी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सी ओ जी एस कॉस्ट ऑफ गुड्स होल्ड माइनस सी हो गया अब सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट से सी ओ जी एस भी मैं निकाल सकता हूँ तो मैं क्या फॉर्मूला बना दूँगा सी ओ जी एस इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस जी पी ये मेरा नया फार्मूला बन गया उसको एलिजेबरिकली इधर उधर करके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप स्टॉक परचेज उससे भी निकाल सकते हो या फिर सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट से भी आप निकाल सकते हो तो यहाँ पे क्या होगा सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट चार सौ रुपये का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर आ गया इस कंपनी में सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट नाइन हंड्रेड रुपीज का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां पे आ गया तो इस कंपनी ने नौ सौ रुपये का सामान बेचा तब सौ रुपये कमाया इसने चार सौ का सामान बेच के सौ रुपये कमा लिए तो ये कंपनी आपकी बेटर हो गई <laughs> देखिए ये जो जीपी रेशियो ऑन सेल्स निकाला था हमने कैसे निकाला फॉर्मूला जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय वन ग्रॉस प्रॉफिट को हमेशा जब परसेंटेज आपको निकालनी है तो नेट सेल्स पे आप निकालते हो नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर आप कैलकुलेट करते हो अगर कहीं भी लिखा हुआ है जी रेशियो जी पी रेशियो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऐसे लिखा है मतलब इट इज ऑन सेल्स ये सेल्स के ऊपर है लेकिन इसी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को कॉस्ट पे भी निकाला जा सकता है कॉस्ट पे भी निकाला जा सकता है कैसे देखेंगे जी पी रेशियो ऑन कॉक्स कॉक्स पे निकालने में क्या करूँगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब सेल्स पे किया था तो मैंने 500 से डिवाइड किया था जब कॉस्ट ऑफ सोल्ड पे कर रहा हूँ तब मैं 400 से डिवाइड कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाय इस कंपनी में ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय वन हंड्रेड ठीक है ना तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर आपका निकल गया क्या फॉर्मूला लिया हमने जी डिवाइडेड बाय सी मल्टीप्लाइड बाय 100 वन ये डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरह से पता होना चाहिए ठीक है ना वैसे तो जी पी रेशियो अगर लिखा है तो इट इज़ ऑन सेल्स लेकिन अगर लिखा है कि जी पी रेशियो ऑन कॉस्ट तो फिर ये कॉग्स के ऊपर है ये बात आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लेनी है तो जी पी को जी पी रेशियो जो है उसको आप सेल पे भी निकाल सकते हो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर भी निकाल सकते हो ठीक है ना बट बाय डिफ़ॉल्ट उसको सेल्स पे माना जाता है लेकिन अगर ऑन कॉस्ट लिखा हुआ है तो फिर आपको उसको ऑन कॉस्ट मानना है ये यह यहाँ पर डिस्टिंक्शन में ये है मेन कन्फ्यूज़न एरिया बाकी आपको इस इस वाले रेशो में और कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा ये आपका मेन कन्फ्यूज़न एरिया है एनी डाउट्स यहाँ पे किसी को कुछ डाउट समझ में आ गया यहाँ तक यस सर ओके अब एक दो क्वेश्चंस देखते हैं हम देखिए ऑलरेडी अभी हमने सिर्फ एक रेशियो हम कर रहे हैं इसमें आठ दस फार्मूले ऑलरेडी हो गए हैं है ना तो या तो फार्मूले की लिस्ट बना करके आप उसे याद रख सकते हो अगर लॉजिक समझा तो आपको याद रखने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी लॉजिक से आप अपने आप फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो जब आप क्वेश्चनस की प्रैक्टिस करोगे नोटबुक में लिख लिख करके उस वक्त कॉन्शियसली ध्यान रखना है कि साथ साथ फार्मूला भी याद करना है फॉर्मूला भी याद करते जाना ये आपको वहां पर ध्यान रखना जरूरी है चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं सो so, हमने जीपी रेशियो से स्टार्ट किया तो हम क्वेश्चन वन जीरो नाइन से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट फिफ्टी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइव लैक्स सेल्स रिटर्न फिफ्टी तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फार्मूला क्या होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मेरा फार्मूला होता है जीपी डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। या नेट सेल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ जीपी डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सिर्फ रेवेन्यू मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाय 100 कुछ भी आप फार्मूला कर सकते हर एक क्वेश्चन में पहले आप फार्मूला देख लो कि फार्मूला कौन सा वाला है फिर देखो कि जो आइटम्स फॉर्मूले में पूछे गए हैं क्या उनकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है जैसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दोनों पता होने चाहिए तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए दोनों चीज़ यहाँ दी गई है ग्रॉस प्रॉफिट भी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी है सेल रिटर्न यहाँ पर दिया गया फिफ्टी थाउजेंड क्या हमें सेल्स रिटर्न को माइनस करना है क्या हमें सेल्स no, हाँ जी नौ no, सौ क्यों नहीं माइनस करना है no, क्यों पे थी? क्योंकि यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया गया है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किसको बोलते हैं नेट सेल्स को हम बोलते हैं नेट सेल्स को नेट सेल्स मतलब सेल रिटर्न ऑलरेडी माइनस हो चुका तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है मेरे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी है सिंपल मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और कुछ यहाँ पे करना नहीं है तो हम क्या करेंगे फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइव लैक्स मल्टीप्लायर बाय वन हंड्रेड तो ये आपका आ जाएगा टेन परसेंट वर्किंग नोट नीचे डालेंगे सेल रिटर्न इज ऑलरेडी रिड्यूस्ड वाइल कैलकुलेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये वर्किंग नोट आपको लिखना जरूरी है तो ये आपका यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अब होता क्या इन क्वेश्चन में कि ये तो आसान था बट बाकी क्वेश्चन में कहीं ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं नेट सेल्स लिखा हुआ नहीं मिलेगा उसके लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी उस इन्फॉर्मेशन से इन वैल्यूज़ को आपको निकालना होगा तो वो ट्रिक है कि इस चैप्टर की कि, कि किस फॉर्मूले का यूज़ करके कौन सी अननोन वैल्यू मैं निकालूं कौन से फॉर्मूले का यूज़ करके कौन सी अननोन वैल्यू मैं निकालूं है ना जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन की हम बात करते हैं इसमें मुझे नेट सेल्स दे दिया जो भी वैल्यू है और इसने मुझे दे दिया ओपनिंग स्टॉक और इसने मुझे दे दिया परचेजेस और इसने मुझे दे दिया क्लोजिंग स्टॉक ठीक है ना मान लीजिए नेट सेल्स सौ रुपये है ओपनिंग स्टॉक दस रुपये है परचेजेस पचास रुपये क्लोजिंग स्टॉक पाँच रुपये अब मुझे बोला कि जीपी रेशियो निकालो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए मुझे नेट सेल्स चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट दोनों चीज़ चाहिए नेट सेल्स गिविन है जी पी गिविन नहीं है जी पी मुझे पता नहीं है तो अब फिर मुझे क्या करना पड़ेगा जी पी कैलकुलेट करना पड़ेगा कैसे करूँगा जी पी कैलकुलेट भाई जी पी का फॉर्मूला क्या होता है जी पी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सी ओ जी एस ये मेरा जी पी का फॉर्मूला है नेट सेल्स माइनस सी ओ जी एस देखें पीछे हमने बनाया भी ये फार्मूला जी पी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सी ओ जी एस अब नेट सेल्स मुझे पता है सौ रुपये ठीक है ना सी ओ जी एस मुझे मालूम नहीं है उसको निकालने के लिए इन्होंने मुझे ये दे दिया ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक तो अब सी ओ जी एस क्या होता है सी ओ जी एस इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक तो जब मैं इसको करूँगा तो मेरा आएगा टेन प्लस फिफ्टी माइनस फाइव ये कितना हो गया फिफ्टी फाइव तो सी ओ जी एस एस फिफ्टी फाइव अब मैं यहाँ पे सौ माइनस फिफ्टी फाइव करूँगा तो मुझे जी पी मिल जाएगा फोर्टी फाइव का फिर इस फोर्टी फाइव को मैं जी पी रेशियो में अप्लाई करूँगा मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको क्या हुआ इस क्वेश्चन में एग्जाम्पल थोड़ा सा हमने चेंज किया क्वेश्चन ने मुझे दिया इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे क्वेश्चन ने दी है कि येलो कलर वाली सेल्स दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक परचेज क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है जीपी रेशियो मेरे को निकालना है अब जीपी रेशियो का फार्मूला हमें मालूम है जीपी अपॉन नेट सेल्स इंटू हंड्रेड ब्लू कलर वाला फार्मूला हो गया नेट सेल्स तो मुझे क्वेश्चन ने दिया है ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मालूम नहीं है तो अब मुझे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा फिर मैं ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालूंगा अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं नेट सेल्स माइनस सी ओ जी एस नेट सेल्स माइनस सी ओ जी एस ये फार्मूला होता है अब इस फार्मूले में नेट सेल्स तो मुझे मालूम है सी ओ जी एस मुझे पता ही नहीं है तो फिर मुझे सी ओ जी एस निकालने का फार्मूला देखना पड़ेगा सी ओ जी एस का फार्मूला क्या है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग परचेज क्लोजिंग स्टॉक मुझे दिया हुआ है तो मतलब मैं सी ओ जी एस निकाल सकता हूँ तो टेन प्लस फिफ्टी माइनस फाइव सीओ जी एस इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव अब जी पी के अंदर आप यहाँ सी ओ जी एस रखो फिफ्टी फाइव का तो जी पी आपका आएगा फोर्टी फाइव का अब जी पी मुझे मिल गया सेल्स मुझे मालूम है जी पी रेशियो विल बी, तो ये आपका फोर्टी फाइव परसेंट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये इस चैप्टर की ट्रिक है सारे रेश कोई सा भी आप रेशियो कर लीजिए सब में यही चीज आपकी काम आएगी कि अननोन वैल्यू आपको निकालनी है जो भी इंफॉर्मेशन है उससे करके तो कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है ये आपकी प्रैक्टिस की बात है ये जो सेकंड अभी हमने बनाया एग्जांपल ये समझ आया आपको वाणी समझ आया ओके okay. सारे रेशियोज में यही ट्रिक्स काम आएंगी आपकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका फर्स्ट आसान था सेकंड कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो जी रेश्यो रेशियो मुझे निकालना है जी पी का फार्मूला क्या है जी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 इसने मुझे क्या क्या दिया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक और नाम हमें पता पड़ गया कॉस्ट ऑफ़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो बेसिकली गुड्स सोल्ड बोल दो चाहे रेवेन्यू बोल दो जो सामान मैंने बेचा उसकी कितनी कीमत थी तो कीमत उसकी थी पांच लाख चालीस हजार रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज फाइव लाख फोर्टी थाउजेंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है नेट सेल्स भी बोलते हैं उसे सिक्स लाख रुपीज का <coughs> ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमें निकालना है तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला हो गया हमारा देखिए ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड जी पी डिवाइड बाई रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड रेवेन्यू मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना रेवेन्यू सिक्स लेक्स लेकिन जी मालूम नहीं है जी मालूम नहीं है क्वेश्चन के अंदर मालूम नहीं है उसमें गिवन नहीं है आप देखिए जी पी कहीं दिया हुआ नहीं है तो कुछ और इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन ने दी है उससे हमें जी निकालना पड़ेगा है ना क्वेश्चन ने मुझे क्या दिया कॉस्ट दी हुई है रेवेन्यू दिया हुआ है तो जीपी का फार्मूला होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये मेरा जीपी का फार्मूला होता है नेट सेल्स मुझे पता है क्वेश्चन में दी हुई है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया हुआ है वो भी मुझे मालूम है तो मैं आराम से यहाँ से जी निकाल सकता हूँ जी डायरेक्टली मुझे क्वेश्चन ने नहीं दिया बट उसको निकालने के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे मैं जीपी निकालूंगा फिर स्टेप टू में मैं जीपी रेशियो में इसको रखूंगा सिक्सटी थाउजेंड को डिवाइडेड बाय सिक्स लैक्स इंटू हंड्रेड टेन परसेंट मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा तो हमने क्या किया जीपी निकाला पहले बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट इससे हमारा जीपी पी यहाँ पे कैलकुलेट हुआ ओके सो एनी डाउट्स क्वेश्चन टेन क्वेश्चन टेन में दक्ष, no, sir. दक्ष समझ में आया ओके क्वेश्चन हंड्रेड एंड एलेवन ठीक है yes, okay. ना तो पहला मैंने आपको फ्लेवर दे दिया जितने रेशियो आएंगे ये ट्रिक है कि कोई अननोन वैल्यू होगी उसको कुछ और फॉर्मूले को यूज करके निकालना होगा सारे रेशियोज के क्वेश्चन में यही होने वाला है दैट इज नंबर वन चीज दूसरा इसमें क्या ट्रिक है जो इस क्वेश्चन एक वन में हम करने वाले हैं देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट सेल्स फोर लैक दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑन कॉस्ट जैसे ग्रॉस प्रॉफिट नॉर्मली किस पे निकलता है नेट सेल्स पे निकलता है लेकिन उसको चाहे तो कॉस्ट पर भी निकाला जा सकता है तो यहाँ कॉस्ट पे जब निकाल रहे हो तो ट्वेंटी फाइव परसेंट यहाँ पर आ रहा है लेकिन अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है कि जी पी रेशियो कितना है आप कैसे निकालेंगे जीपी रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए और नेट सेल्स चाहिए नेट सेल्स तो गिवेन है बट ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर हमें मालूम नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पे मालूम नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट इसने कॉस्ट का 25 परसेंट दिया है ध्यान रखना है आपको सेल्स का 25 परसेंट नहीं है कॉस्ट का है कॉस्ट हमें मालूम ही नहीं है यहाँ पे हमें तो सेल्स पता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें यहाँ पे मालूम नहीं है तो आप फोर लैख का ट्वेंटी फाइव परसेंट कभी भी नहीं करोगे फोर लैख का ट्वेंटी फाइव परसेंट कभी भी नहीं करना है बिकॉज दिस इज़ ऑन कॉस्ट अगर ऑन कॉस्ट नहीं लिखा होता यहाँ पे, मान लिए नहीं लिखा है जीपी पी पच्चीस परसेंट तो आप सेल्स का पच्चीस परसेंट निकाल दो आपको जी मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है ऑन कॉस्ट तो चार लाख ,00 का हम नहीं निकाल सकते फिर अब जीपी मैं निकालूं कैसे यह या हमें यहाँ पे सोचने वाली चीज है तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 111 इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने क्लास सेवेंथ या एट्थ में करे होंगे मैथ्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस करके आपका एक चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस का उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपने सेवेंथ एट्थ में कभी करे होंगे तो अब इसमें ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे थोड़ा सोचिए ज़रा फिर मैं आपको बताता हूँ ये दूसरी ट्रिक है जो बहुत ज़्यादा बहुत क्वेश्चंस में फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज कॉस्ट पे मुझे यहाँ पे दिया हुआ है सेल्स पे नहीं दिया हुआ है कॉस्ट पे दिया हुआ है लेकिन कॉस्ट मुझे पता नहीं है तो मैं पच्चीस परसेंट किसका निकालूँ और जब तक मैं निकालूंगा नहीं मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मालूम नहीं पड़ेगा ग्रॉस प्रॉफिट मालूम नहीं पड़ेगा तो मैं जीपी रेशियो कैसे निकालूंगा मैथ्स so, के अंदर आपने छोटी क्लासेस में ये चीज पढ़ी हुई है थोड़ा सा सोचिए <coughs> <coughs> देखो तो ऐसे केस में क्या करना है हमेशा परसेंटेज जिस भी चीज पर दिया हुआ है परसेंटेज जो दिया हुआ है वो जिस भी चीज़ पे दिया है उस चीज़ को हंड्रेड अज्यूम करो परसेंटेज जिस चीज पे दिया हुआ है उसको आप हंड्रेड अज्यूम करिए ठीक है ना तो मैं इसको करता हूँ क्वेश्चन हंड्रेड एंड एलेवन है ठीक है ना पच्चीस परसेंट कॉस्ट पे दिया हुआ है तो हम क्या बोलेंगे लेट द कॉस्ट बी हंड्रेड जिस चीज पे परसेंटेज दिया उसको हंड्रेड मान लो जो लोग X मान के करना चाहते हैं वो X मान के भी कर सकते हैं बट X में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है है ना हंड्रेड से आपका काम क्विकली हो जाएगा तो कॉस्ट मेरी हो गई हंड्रेड की अब मुझे बिल्कुल पिक्चर क्लियर है कि अगर कॉस्ट हंड्रेड होगी तो जीपी कितना होगा जीपी पी पच्चीस परसेंट ऑन कॉस्ट है तो जीपी विल बी ट्वेंटी फाइव अगर कॉस्ट हंड्रेड होगी जी पी ट्वेंटी फाइव होगा तो अब मेरा नेट सेल्स कितना होगा अगर कॉस्ट हंड्रेड है जी पी ट्वेंटी फाइव है तो नेट सेल्स कितना होगा देखते हैं देखिए ये वाला फॉर्मूला आपका क्या है जी पी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जी पी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जी पी इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस सी ओ जी एस ठीक है ना कॉस्ट मेरी हंड्रेड की है जी पी ट्वेंटी फाइव का है तो सेल्स कितना होएगा क्या मैं निकाल सकता हूँ सेल्स कितना होगा कितना होगा बताइए अगर कॉस्ट सौ है जीपी पच्चीस है तो सेल्स कितना होगा फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके सामने आप जस्ट कैलकुलेट ही करना है इसे। नेट सेल्स को मैं यही रखूंगा माइनस हंड्रेड को उधर ले जाऊंगा, तो हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव की सेल हो जाएगी तो सेल्स मेरी हो गई वन ट्वेंटी फाइव की सिंपल सी बात है कितने की चीज़ थी कितना प्रॉफिट है जोड़ लो सेल्स आ जाएगा कॉस्ट प्लस जी पी इज इक्वल टू सेल्स तो अगर हंड्रेड की कॉस्ट होती जी पी ट्वेंटी फाइव का होगा और सेल्स मेरी वन ट्वेंटी फाइव की होगी तो मैंने ये रिलेशनशिप हंड्रेड के टर्म्स में निकाल लिया ये रिलेशनशिप मैंने हंड्रेड के टर्म्स में यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है अब जो एक्चुअल वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू मुझे सेल्स की मालूम है वो कितनी है फोर तो लैक्स ये मुझे फोर लैक यहाँ पे पता है अब मैं इन दोनों को आराम से निकाल सकता हूँ बाय यूजिंग द यूनिटरी मेथड पीछे पे पी और भी अकाउंट्स के पार्टनरशिप के क्वेश्चंस में हमने कभी कभी इस चीज़ को यूज़ किया हुआ है अगर किसी को याद है तो क्या आप कॉस्ट निकाल के बता सकते हो कॉस्ट कितनी होगी एक्चुअल कॉस्ट ओके okay. इसका यूनिटरी मेथड में क्या होता है देखिए हंड्रेड की टर्म्स में पहले आप चीज़ को लिखो निकालना क्या है निकालना है हमें कॉस्ट को निकालना है जो चीज़ निकालनी है उसको आप आर एच एस पे रखोगे क्या निकालना है मुझे कॉस्ट निकालनी है जैसे मैं हंड्रेड इधर लिख दूंगा जो पता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखो पता है मतलब जैसे वन ट्वेंटी सेल्स का मुझे एक्चुअल पता है तो मैं इसको इधर लिख दूंगा कॉस्ट मुझे निकालनी उसको मैं राइट हैंड साइड पर रख दूंगा कैसे हम रीड करेंगे इफ सेल्स आर 125 ट्वेंटी फाइव कॉस्ट इज़ वन ठीक है ना अगर सेल्स वन होती तो कॉस्ट कितनी होगी 100 डिवाइड बाई वन ट्वेंटी फाइव सेट है बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है अगर सेल्स फोर लैक हैं तो कॉस्ट कितनी होगी 100 डिवाइड बाई वन ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाइड बाई फोर लैक्स कितना आ गया 100 डिवाइड वन ट्वेंटी फाइव तो थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड की मेरी यहाँ पे कॉस्ट हो जाती है तो कॉस्ट मेरे पास आराम से निकल गई यस सर हाँ जी मेरा भी यही आया आपका भी यही आया ओके मैं इसी तरह से जीपी को भी निकाल सकता था डायरेक्टली ठीक है ना, ना जीपी कैसे निकालेंगे देखिए मैंने आपको बताया एक चीज़ आ गई दोनों को आप निकाल सकते हो जीपी सेल्स मुझे पता है इसको मैं एलएचएस पे रखूंगा जीपी निकालना है इसको मैं आर एच एस पे रखूँगा ठीक है ना तो हम क्या लिखेंगे 125 और कॉस्ट की जगह पे जी पी डाल देंगे 25। अगर सेल्स 125 है तो जी पी है 25। अगर सेल्स 1 है तो जी पी होगा 25 फाइव डिवाइड बाई वन अगर सेल्स 4 लैक्स ,00 है तो जी पी होगा 25 फाइव बाई वन मल्टीप्लाइड फोर लैक्स कितना आएगा ये तो 80,000 का मेरा जीपी आ गया मुझे मालूम पड़ गया जीपी अब मुझे जीपी रेशियो जैस निकालना ही है यही निकाल देते हैं 80,000 का जीपी हो गया सेल्स आपकी 4 लाख हो गए आप डिवाइड कर दीजिए 80,000 थाउजेंड बाय फोर लैक्स इंटू वन तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो आ गया 20% ये 20% परसेंट आ गया ये आपका आंसर हो गया ओके सो हंड्रेड एंड इलेवेन कितने लोगों को समझ आया है श्रेय समझ आया हंड्रेड एंड एलेवन वाणी समझ आया है yes, और दक्ष को समझ आया है यस सर ओके सो अभी हम क्या करेंगे देखिए थोड़ा सा नया सा टॉपिक है थोड़ा सा मैथेमेटिकल है अगर मैं आपको बताते चले जाऊँगा तो हो सकता है कि आगे समझना है तो इसलिए क्या करेंगे पहले इन तीन क्वेश्चंस को जो हमने करें आपको अपनी नोटबुक में करना है है ना ताकि ये फॉर्मूले थोड़े याद होए थोड़ा फील आए फार्मूलेस इसका तो पहले आप क्वेश्चन वन जीरो नाइन करिए अभी ताकि फार्मूले याद हो जिसको फार्मूला याद ना आए अभी आप पूछ सकते हैं मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा उसको देख करके लिखो फार्मूले को लेकिन उसी से याद होएगा वरना अभी क्वेश्चन दस क्वेश्चन में करा दूंगा फार्मूला याद नहीं है तो चीज़ समझ में नहीं आएगी इसलिए पहले क्वेश्चन वन जीरो नाइन करिए स्टार्ट करिए क्वेश्चन वन ज़ीरो नाइन करिए जिसको फार्मूला भी याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आप स्क्रीन पे देख लेंगे आप अपनी बुक में देख लीजिए अच्छा ऐसा करते हैं सॉल्यूशन हम स्क्रीन पे रखते हैं है ना उसमें से आप आराम से देख के करो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है आपको फार्मूला याद होना चाहिए ठीक है ना क्वेश्चन वन ज़ीरो नाइन सबके पास बुक है रिमी के पास बुक है अभी यस ओके दक्ष के पास बुक है यस अभी नहीं है ओके okay, ठीक है तो uh, एक बार क्वेश्चन देख लीजिए फिर मैं उस स्क्रीन चेंज करके सॉल्यूशन दिखा दूंगा और ऐसा रखो कोशिश कि भाई साथ के साथ फॉर्मूले को भी याद करते जाओ so ये क्वेश्चन है ग्रॉस प्रॉफिट फिफ्टी थाउजेंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइव लैक्स सेल्स रिटर्न्स फिफ्टी थाउजेंड इसका सॉल्यूशन यहां पर है अगर मैं इसको ऐसे करने की कोशिश करूँ एक बार कहाँ तक करनी हाँ एक एक करते हुए तीन क्वेश्चन हमने किए हैं वही करने हैं बस हाँ बस वो फिर हम आगे बढ़ेंगे जब तीन सबके हो जाएंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन वन जीरो नाइन ऊपर क्वेश्चन है आपका जीपी रेशियो निकालना है ये आपका सॉल्यूशन यहां पर है जिसका जिसका जो नंबर होता जाएगा बताते हैं हम आगे बढ़ते जाएंगे वन ज़ीरो नाइन बिल्कुल सिंपल सा था मेन <coughs> बात वहाँ थी सेल रिटर्न माइनस नहीं होगा श्रेया के पास बुक है पूरे चैप्टर में वैसे दो ही मेन ट्रिक है कि हंड्रेड यूज़ करके दूसरी वैल्यू निकालना और प्लस कहाँ कौन सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है उसके अलावा इसमें कोई डेबिट क्रेडिट जर्नल लेजर कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में रिमी वन जीरो नाइन हो गया सर भी भी हो 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 गया। Oho, so, भाई, गया हो गया। सॉल्यूशन इसका यस। ओके ओके। गुड। अच्छी बात है। है। अच्छा 110, ठीक आई थिंक ये ऐसे आधा आधा चलेगा नहीं स्क्रीन यो करो मैं इसको ऐसे नहीं चलेगा आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए एक बार सॉल्यूशन देख लीजिए जब सॉल्यूशन अगर आप यहाँ बताऊंगा तब तो आपको देख के समझ आ जाएगा कि अच्छा ये फॉर्मूला लगा के कर लिया लेकिन जब आप खुद करोगे तब आपको फॉर्मूला उस वक्त समझ आना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है so, हाँ मेरे को 111 का सॉल्यूशन दिखा दीजिए वन वन का सॉल्यूशन थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको वापस देखिए परसेंटेज जिस चीज़ पर दी हुई है परसेंटेज किस पे कॉस्ट पर दी हुई है है ना तो अगर कॉस्ट मालूम है जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है तो तो परसेंटेज निकाल दो मान लो यहाँ कॉस्ट दिया हुआ होता तो हम परसेंटेज निकाल के जीपी निकाल लेते हैं प्रॉब्लम तब आती है जब जिस चीज़ पे परसेंट दिया है वो चीज़ मालूम ना हो जैसे यहाँ कॉस्ट है कॉस्ट हमें मालूम नहीं है तो फिर हम कैसे करें तो फिर हमें हंड्रेड वाला मेथड लगाना होता है कॉस्ट एक्स भी भी कर सकते हैं एक्स में थोड़ी एल्जेब्रा ज़्यादा होती है आप हंड्रेड से करो कर थोड़ा सा प्रैक्टिस करो हंड्रेड से बहुत आराम से होएगा ये तो चीज़ें लोग रट लेते हैं याद रख लेते हैं अगर जी पी पच्चीस परसेंट कॉस्ट पर होता है तो सेल पे ट्वेंटी परसेंट होएगा ये याद ही हो जाता है स्टूडेंट्स को ये हमेशा यही रहने वाला है अगर जी पी पच्चीस परसेंट कॉस्ट पर है तो सेल्स पर ट्वेंटी परसेंट ही होएगा हंड्रेड वाली चीज करके देखो आप लिखो कॉस्ट लेट द कॉस्ट भी हंड्रेड लिखो एक बार अपनी नोटबुक में कॉस्ट इज इक्वल टू हंड्रेड लिखो लिखा आपने यस कॉस्ट इक्वल हंड्रेड लिखे तो जीपी पच्चीस परसेंट है उसके नीचे लिखो जीपी इक्वल्स ट्वेंटी फाइव लिखा आपने? Yes, sir. ठीक है ना अब देखो जितनी कीमत जितने का सामान है कॉस्ट बेसिकली जितने का सामान है प्रॉफिट जोड़ दो तो सेल आ जाएगी यही तो होता है सेल्स तो उसके नीचे सेल्स लिखो कितनी होगी सेल्स वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव भाई जितने का सामान खरीदा प्रॉफिट जोड़ दो तो उतना सेल हो गया ठीक है ना वन ट्वेंटी फाइव अब ये क्या एक रिलेशनशिप है जो कि यूनिवर्सल है बिज़नेस के लिए अब इसमें आप अगर मैं आपको बोलूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालो हंड्रेड वाली टर्म्स के ऊपर क्या आप निकाल सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो जीपी रेशियो का फार्मूला क्या होता है बताइए एक बारी जीपी रेशियो का फार्मूला ऊपर जो आपने दो क्वेश्चन माइनस सेल्स जी एस वो तो जीपी निकला जीपी रेशियो का क्या फॉर्मूला है जीपी बाय नहीं ये कहा है जीपी बाय सीओजीएस थोड़ी ना है जीपी बाय नो 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 जीपी बाय नेट सेल्स टू हंड्रेड जीपी बाय नेट सेल्स इन टू हंड्रेड अभी जो आपको मैंने हंड्रेड वाली टर्म्स में इसमें जीपी कितना है जो अभी ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव सेल्स कितनी है 125 तो जीपी रेशियो कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो जीपी रेशियो कितना होगा निकल गया रे में वाणी का कौन सा क्वेश्चन तक हो गया सर ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट बस यही आंसर है तो अब क्या है जो रेशियो में जब आप निकाल देते हो जब आपने रेशियो में निकाल दिया भाई बीस परसेंट है अब आ, आप कितने भी सेल्स करो आप पाँच लाख दस लाख पचास लाख एक करोड़ जितने के भी आप सेल करोगे लेकिन प्रॉफिट जो आपका है वो इसी परसेंटेज के अंदर होएगा यही इस परसेंटेज का मीनिंग है कि भाई जैसे मान लो कि आप स्कूल में बोलते हो कि भाई ये बच्चा कितने ये बच्चा 80 परसेंट मार्क्स लाता है है ना 80 परसेंट मार्क्स लाता है इसकी इंटेलिजेंस इतनी एट्टी परसेंट मार्क्स लाता है अब 100 नंबर का पेपर होगा तो आप एट्टी मार्क्स लाओगे ठीक है ना हम थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं इसको चीज़ को पर ये स्टूडेंट कितना है इंटेलिजेंट कि ये यूजली 80% वाला है 80 परसेंट मार्क्स ये लाता है तो अब 10 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 8 लाएगा 100 नंबर का पेपर होगा तो 80 लाएगा ठीक है ना 500 का अगर होगा तो 400 लाएगा तो ये परसेंटेज मेंटेन होएगा हमेशा तो इसी तरह से जब रेशियो जो 20 परसेंट है सेल कितनी भी हो जाए ये परसेंटेज आपका हमेशा मेंटेन रहेगा तो अब अगर जी पी रेशो ट्वेंटी है क्या आप ग्रॉस प्रॉफिट एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा आप निकाल सकते हो एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट कितना होएगा, भाई अब ये ट्वेंटी परसेंट आपको किस पे मिल गया दिस इज ऑन सेल्स करेक्ट यस सर तो सेल फोर लैक है इसका ट्वेंटी परसेंट निकाल दो तो आपका जीपी आ जाएगा सर एट्टी थाउजेंड एट्टी थाउजेंड बिल्कुल भाई यही रिलेशनशिप यहाँ पर है आपकी अगर यहाँ जी निकालना नहीं है बट बात पूरी समझ आनी चाहिए इस तरह से आप जीपी यहाँ निकाल सकते हो तो ये जो रिलेशनशिप है बीस परसेंट वाला कितने भी करोड़ों की सेल ये कर देसेंट एट्टी थाउजेंड हमेशा वो जीपी आपका वही रहेगा तो परसेंटेज का ये बेनिफिट आपका होता है है ना तो अब ये अगर परसेंटेज निकालना भी एक्चुअली इस क्वेश्चन के अंदर मुझे नेट सेल्स की जरूरत ही नहीं है मुझे तो रेशियो बताना है मैं इससे इस भी निकाल सकता हूँ मैंने ट्वेंटी निकाल लिया चार लाख की मुझे यहाँ पर कोई ज़रूरत है ही नहीं हंड्रेड वाली टर्म्स में करके आराम से चीज निकल सकती है वाणी का कहाँ तक हो गया सर हो गए तीनों तीनों हो गए आपको समझ आए फॉर्मूले याद हो रहे हैं थोड़े थोड़े यस सर ओके okay, दक्ष के कहाँ तक हो गए सर तीनों तीनों और फॉर्मूले भी याद हो रहे हैं समझ आ रहे हैं? जी सर फिर भी समझ आया आपको ये यस सर ओके okay, धीरे धीरे और ग्रास बनेगा बट उस बात को याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूलों की भूल भूलैया में घूमना नहीं है इसके अंदर क्वेश्चन हंड्रेड एंड ट्वेल्व देखते हैं जी पी रेशो निकालना है ठीक है ना अब जी पी रेशो के लिए क्या चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए नेट सेल्स चाहिए मल्टीप्लाई पर हंड्रेड करेंगे देखिए क्वेश्चन को क्या यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है क्या यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया गया है है ना यहाँ कैश सेल्स दिया है क्रेडिट सेल्स या परचेज दिया है ग्रॉस प्रॉफिट मुझे मालूम नहीं है मुझे किसी तरीके से निकालना पड़ेगा क्या यहाँ पे नेट सेल्स दिया गया है नेट सेल्स भी मुझे यहाँ नहीं दिया गया है वो भी मुझे निकालना पड़ेगा तो पहले नेट सेल्स की बात करते हैं क्या आप यहाँ पे नेट सेल्स निकाल सकते हो सोचिए ज़रा यस सर ओके कैसे निकालोगे वाणी सर एक्स नाइट सेल्स को एक्स ले लेंगे okay. तो क्रेडिट सेल्स ऑफ ओके ठीक है ओके okay. तो आप कैलकुलेट करिए उससे देखिए अगेन इसमें हम हंड्रेड वाली चीज से कर सकते हैं एक्स मानो हंड्रेड मानो कुछ भी करिए देखिए कैश और क्रेडिट दो सेल है क्वेश्चन देख के मुझे पता पड़ रहा है कि यहाँ पे कैश सेल भी है क्रेडिट सेल भी है है ना और सेल रिटर्न कुछ नहीं है यहाँ पे सेल रिटर्न कुछ नहीं है तो सेल रिटर्न को हम छोड़ देंगे टोटल सेल्स कैसे आएगा कैश प्लस क्रेडिट कैश सेल और क्रेडिट सेल को मैं जोड़ दूँ तो मेरा टोटल सेल्स आ जाएगा आसानी से मुझे मिल जाएगा क्रेडिट सेल पाँच लाख है अगर कैश भी मुझे दे देता वैल्यू दे देता तो कोई दिक्कत नहीं थी मान लीजिए कैश सेल वन लाख दे देता वन प्लस फाइव टोटल सेल्स सिक्स लैक्स आ जाती है ना अगर ये क्वेश्चन के अंदर हमें कैश सेल दे देता ये वन लैख क्रेडिट सेल्स मुझे दे देता फाइव लैक्स तो मुझे टोटल सेल निकालना बड़ा आसान है मैं दोनों को जोड़ दूँगा दिस प्लस दिस छः लाख आ जाएगी बट इसने क्या किया कैश सेल उड़ा दी कैश सेल मुझे दिया ही नहीं यहाँ पे और कैश सेल का क्या लिख दिया इट इज़ ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल सेल्स क्या लिख दिया ट्वेंटी ऑफ टोटल सेल्स अब मैं ट्वेंटी परसेंट किसका निकालू टोटल सेल तो मुझे पता ही नहीं है मुझे तो क्रेडिट सेल पता है अगर ये ट्वेंटी परसेंट ऑफ क्रेडिट सेल देता तो मुझे आसान था कि भाई पाँच लाख का ट्वेंटी परसेंट वन लाख कैश सेल हो जाती तो पाँच और एक को जोड़ के छः में कर लेता बट इसने मुझे क्या किया ट्वेंटी परसेंट ऑफ टोटल सेल्स दे दिया टोटल सेल मुझे मालूम ही नहीं है तो मैं ट्वेंटी परसेंट किसका निकालूं? तो इसलिए हम क्या करते हैं परसेंटेज जिस चीज का दिया हुआ है उसको हंड्रेड मानो टोटल सेल्स इज इक्वल टू हंड्रेड आप एक्स मान रहे हो तो इसको आप एक्स मानेंगे ठीक है ना टोटल सेल्स इक्वल टू हंड्रेड अब कैश सेल कितना होगा रिम्मी में अगर टोटल सेल हंड्रेड है तो कैश सेल कितना होगा वन ट्वेंटी कैश सेल क्या लिखा है कैश सेल्स कितना है ये रीड करो क्या ट्वेंटी परसेंट ऑफ़ टोटल सेल्स। सेल्स टोटल हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट कितना होता है हंड्रेड का हंड्रेड का ट्वेंटी परसेंट कितना होता है सर so ट्वेंटी होगा और टोटल सेल हो जाएगा वन ट्वेंटी जस्ट वेट जल्दी मत करो टोटल टोटल ट्वेंटी का टोटल सेल तो हंड्रेड है कैश ट्वेंटी है अब क्या बचा क्रेडिट सेल्स क्रेडिट सेल कितना होएगा अब हाँ वो हो जाएगा 120. 120 क्यों हो जाएगा टोटल कैश थोड़ी ना जोड़ोगे टोटल में से कैश माइनस करोगे तब ए अभी हमको 100 की टर्म्स में रिलेशनशिप यहाँ मिल गई वैल्यू मुझे कौन सी पता है क्रेडिट सेल्स की वैल्यू मुझे पता है विच इज फाइव लैक्स ये फाइव लैक एक्चुअल मुझे पता पड़ गई अब इस रिलेशनशिप से मैं चाहूँ तो टोटल सेल निकाल सकता हूँ चाहूँ तो कैश सेल निकाल सकता हूँ जो मेरी इच्छा हो मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर सकता हूँ मुझे यहाँ टोटल सेल चाहिए मैं सीधा टोटल सेल निकाल लेता हूँ जो निकालना है उसको राइट हैंड साइड पे रखेंगे आर एच एस एल एच एस ठीक है ना तो यहाँ मेरा हंड्रेड हो गया जो निकालना है जो पता है उसको क्रेडिट सेल्स को मैं इधर रख दूँगा ठीक है ना जो निकालना है उसको इधर रख दो या आपको इतना नहीं याद करना तो आप ऐसे याद रख लो जो निकालना है उसको ऊपर रखो जो निकालना है उसे ऊपर रखो जो पता है उसको नीचे कर दो जो निकालना है उसको ऊपर रखो जो पता है उसको नीचे कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर दो जो पता है पाँच लाख मुझे पता है ठीक है ना इसको जब आप सॉल्व करोगे इनटू, तो सिक्स लैख ट्वेंटी फाइव थाउजेंड की टोटल सेल्स मुझे पता पड़ गई टोटल सेल्स मेरी सिक्स ट्वेंटी फाइव की हो गई तो कैश मेरा कितना हो जाएगा दिस माइनस दिस वन ट्वेंटी फाइव का कैश सेल हो गया अगर ज़रूरत पड़े तो समझ आए रिम्मी है yes, ना जो चीज पहले हंड्रेड के टर्म्स में रिलेशनशिप बनाओ जो पता करना है उसको ऊपर रखना है जो मालूम है उसको नीचे रखना है और डिवाइड मल्टीप्लाई कर दीजिए आप दक्ष को समझ आया yes, okay. सर आप क्वेश्चन कंप्लीट करिए दक्ष आप क्वेश्चन कंप्लीट करिए वाणी का हो गया है अच्छा क्वेश्चन में तो अभी बाकी है चीज़ अभी है, हमने सिर्फ सेल्स निकाली है सेल्स निकाली है देन फिर कॉग्स कैसे निकालेंगे कॉग्स के लिए क्या परचेजेस दिया हुआ है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग दिया हुआ है यहाँ पे देखिए स्टॉक की जगह इन्वेंटरी वर्ड आ रहा है सर हो जाएगा हो जाएगा कॉग्स निकाल लोगे आप यस सर ओके क्या फॉर्मूला यूज करोगे

सेल्स निकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हमारा फार्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग माइनस क्लोजिंग को हम चेंज इन स्टॉक लिख सकते हैं चेंज इन स्टॉक प्लस परचेजेस अब यहाँ पर चेंज इन स्टॉक में क्या है क्लोजिंग ज्यादा है जब क्लोजिंग ज्यादा होता है तो माइनस में लेते हैं हम इसको तो माइनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड प्लस फोर लैक थ्री सेवेंटी फाइव आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर आता है तो so, एक बार फॉर्मूले याद हो गए कहाँ क्या अप्लाई करना है तो फटाफट फटाफट ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते कि जैसे पी एंड रीवेल्यूशन बनाओ फिर कैपिटल बनाओ फिर बैलेंस शीट बनाओ इतने तो लंबे चौड़े क्वेश्चन ये नहीं होते तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा देन फिर आपका जीपी आप निकाल सकते हैं तक सर हो गया हो गया दक्ष का ठीक है तो ये जो हंड्रेड वाली चीज़ है या एक्स से आप कर रहे थे तो एक्स वाली चीज़ है ये बार बार अप्लाई होएगी है ना आप याद रख सकते हो कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है अभी एक बार तो कहाँ अप्लाई हुई जी के जी के लिए अप्लाई हुई दूसरा कहाँ अप्लाई हुई ये चीज़ कैश सेल क्रेडिट सेल के रिलेशनशिप में अप्लाई हुई है तो तीन चार ऐसे एरिया आएंगे जहाँ पे ये चीज़ यूज़ होएगी बाकी जगह आपके नॉर्मल फार्मूले यूज़ होंगे तो ये हम याद रखेंगे भाई सेल्स निकालते टाइम इसकी जरूरत पड़ती है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है या प्रॉफिट ऑन सेल्स है उसमें इसकी जरूरत पड़ती है दो एरिया हमें यहाँ पर पकड़ में आ गए ओके सो आज का टाइम हो गया तो हम क्लास क्लोज करते हैं दे नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कल आगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन हमने कहा था हो गया।, हो गया आपका वीरेमी गुड सो वन तक हमारा हो गया है वन से कल हम स्टार्ट करेंगे